अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू शुएब सुहू चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन कोफ्ता। अगर आप अभी है मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ हमने आधा किलो मटन कीमा ले लिया है। कीमा को जो है हमने नमक और हल्दी डाल करके ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करके पाउडर बना लेंगे इसका। देखिए हमने इसको पाउडर कर लिया है। अभी इस कीमा में इस पाउडर को ऐड करेंगे। यहाँ अदरक और लहसुन को ले लिया है, इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी ऐड करेंगे। अभी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट कर लेंगे इसको। थोड़ा सा कीमे में ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रेवी के लिए निकाल लेंगे। फिर से उसी जार में पांच मिर्ची डाल लिए हैं और थोड़े से प्याज ले लेंगे। मीडियम साइज के तीन प्याज लिए हैं मैंने। यहाँ प्याज को ऐड कर लिया है। अभी इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों, बारीक नहीं, दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। अभी जो ग्राइंड किया था ना, उस मसाले को ऐड कर लेंगे। हमने इसमें एक अंडे को ऐड कर लिया है, थोड़ा सा हल्दी, ये घर का गरम मसाला, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून लिया है धनिया पाउडर, ये जो अदरक लहसुन और कोकोनट को पीस लिया था ना, उसका पेस्ट है ये, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे इसमें और थोड़ा सा ग्रेवी के लिए बचा लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, चलिए अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। यहाँ मैंने ग्रेवी के लिए 2 टमाटो लिया है, इसको प्यूरी बना लेते हैं। हमने यहाँ बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया है। हमने यह कुकर ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। दो ग्रीन चिली, मैंने यहाँ आधा प्याज लिया था दोस्तों। अभी हम इसमें जिंजर गार्लिक और कोकोनट का पेस्ट ऐड करेंगे जो बनाए थे ना वो। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने इसमें टोमेटो प्यूरी को ऐड कर लिया है। अभी धनिया पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने मसालों को अच्छे से कुक कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम अभी इसमें एक बॉईल आने देते हैं। अभी इसमें बॉईल आ चुका है, तो चलिए अभी मटन बॉल्स को ऐड करते हैं। हमने इसमें सभी बॉल्स को ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसमें एक सीटी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ग्रेवी जो है बन करके तैयार हो चुका है। अभी